नमस्कार, मैं स्नेहलता शुक्ला, एबीपी गंगा की टीम आप पहुंची है मिर्जापुर। मिर्जापुर नहीं, नाम में बहुत कुछ रखा है अगर आप उत्तर प्रदेश की सियासत को देखें। फिलहाल यहां की पालिका पर मौजूद हैं। अब चलते हैं मोहल्लों में, जानने की कोशिश करते हैं कि जनता का मूड क्या कहता है। ये बताइए, गली मोहल्ले का हाल कैसा रहा, जहाँ आप रहती हैं वहाँ ठीक ठाक है सब? नहीं, गंदा बहुत गली रहता है, गंदा गली बहुत रहता है, सफाई नहीं रहता। इस बार क्या लग रहा है चुनाव में? अभी देख रहा है कोई क्या करने वाला चुनाव में, समझ में आना चाहिए ना सब। किसको बनाना चाह रही हैं, सपा, कमल या फिर कमल? सोच लिए पहले? बराबर है, भैया कमल रहेगा, कमल आएगा चेयरमैन नहीं के चुनाव में भी? चुनाव में भी लोकल चुनाव है, कैंडिडेट का देखते हैं चेहरा, लेकिन आप लोग पार्टी पहले सोच लिए? हाँ, सोच लिया ना, कमल तो रहेगा। ये बताइए, रंग बिरंगे बर्फ के गोले तो चल रहे हैं, लेकिन आपके मिर्जापुर में पालिका के चुनाव में कौन चलेगा? ये बीजेपी, यही है ना। कैसे पता? उसका काम दमदार है। दमदार है जी। देखिए, मिर्जापुर में क्या सोच रहे हैं, गली मोहल्ले में किसके लिए मूड बन रहा है, क्योंकि गली मोहल्ले की सरकार होती है पालिका का चुनाव, क्या लग रहा है? सपा को ही देंगे। सपा को देंगे? हाँ हाँ। वजह क्या है इसकी? काम अच्छा किए है पिछले 5 साल में। भैया आप यही के? जी जी हाँ, यही के। चश्मा तो बहुत अच्छा लग रहा है आपका, ये बताइए कि पालिका के चुनाव में क्या है? चुनाव में ये कि हम लोग सपा का सपोर्ट करते हैं। कैंडिडेट अच्छे हैं? जी अच्छे हैं। कौन है? मतलब अखिलेश यादव जी ना? नहीं भैया, पालिका का चुनाव है, अब गली मोहल्ले का चुनाव करना है, कौन ठीक लग रहा है चाचा? सभी तो अच्छे हैं, सब जिता रहे हैं, केजरीवाल को जिता रहे हैं सब। केजरीवाल को जिता? अच्छा, कौन है कैंडिडेट? उसका कैंडिडेट है वो तो ये पंडित है इधर का। अच्छा, भैया क्या लग रहा है इस बार घंटाघर से? वो झाड़ू वाला आने वाला है। आप ही के मोहल्ले के हैं क्या? हाँ। कौन है? पंडित जी हैं पीछे के। पंडित जी, और उधर से साइकिल भी तो उठी है, उधर से भी पंडित जी हैं, मिश्रा जी हैं। अभी साइकिल नहीं ध्यान, आज पंडित जी उठे हैं, आज वही झाड़ू वाला उठा है आयर का। अच्छा, अब देखा जाएगा उनका भी, झाड़ू वाले को देखा जाएगा। हम यहाँ बातचीत कर रहे थे घंटाघर में, भैया आए बोलना चाहे कि भाई मैडम हम बोलना चाहते हैं, अब भैया बोलेंगे। हाँ सर, हमारा साफ साफ कहना है, जब भी चुनाव का वक्त आता है तमाम तरह के नेता कुकुरमुत्ते की तरह उगाते हैं, नाली आज भी पटा है, गंदगी आज भी है, और पता नहीं किस मुंह से ये चुनाव लड़ने चले आ रहे हैं। तो हम जनता से विनती करना चाहते हैं, आप पार्टी पद मत देखो, आप सही व्यक्ति का चुनाव करो, सही लोगों को वोट दो, जिससे कि घंटाघर की घड़ी ही नहीं मिर्जापुर शहर 20 पटल पे दिखे। आपको कौन ठीक लग रहा है इस बार? मुझे तो इस समाज में सभी नंगे लग रहे हैं। क्या बात है? जो बात एकदम साफ साफ। चलिए, कोई कभी मौका मिलता है तो वो साइकिल पे सवार हो जाते हैं, फिर मौका मिलता है झाड़ू लगाने लगते हैं, ठीक है, मौका मिला तो हाथी पे सवार हो जाते हैं, थोड़ा सा मौका मिला तो किसी पे भी सवार हो जाते हैं। तो ऐसे नेताओं का बहिष्कार करना जरूरी है, जो वक्त आने पर टिकट न मिले तो दूसरे दल में चला जाए, जो अपने पार्टी के सिद्धांत वसूल को नहीं चला सकता तो वो देश या जिले को क्या चला सकता है? पालिका चुनाव में क्या होगा मिर्जापुर? यहाँ तो मतलब बीजेपी की सरकार आएगी, दो बार से बीजेपी है, लेकिन देखिए इतना सुंदर घंटाघर की घड़ी टूटी हुई है, गंदगी लगा हुआ। हाँ, वो तो बन नहीं पा हुआ था, इधर कमजोरी बा, कहिया बनी सर? अब समय आए, अब वो कर, हमें तो फिलहाल समय नहीं बा होकर। दो दफा बीजेपी चेयरमैन बन गए, लंबी सरकार बनाने लगे, अब देखा थी सरकी में छह जवान हो जाए, अब करें। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।